All right, everyone. Hope you guys are doing great. So let's continue our discussion on lecture number 24, which is again biogeochemical cycling, but this time the gaseous cycles. We have already done the discussion on the sedimentary cycle. I hope you have completed the videos, and also do not forget to like, comment, share, and subscribe. And the modern Indian history, geography, and your polity videos are also being uploaded. Please do check them. Okay. Now, in the gaseous cycling, we'll discuss actually water cycle, carbon cycle, and the nitrogen cycle. अब हम water cycle, जिसको आप hydrologic cycle भी बोल सकते हो, वो समझने की कोशिश करते हैं. So, what do we understand in one line if we have to see कि हमने word बोल लिया water cycle, which means there is some kind of a cycle related to water, which means there is continuous circulation of water. ठीक है, चल रहा है, चल रहा है. इन दी अर्थ एंड एटमोसफेयरिक सिस्टम. सो अर्थ से एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से अर्थ, चल रहा है अ साइकिल. हाउ इज दिस साइकिल ड्रिवन? दिस साइकिल इज ड्रिवन बाई द सोलर एनर्जी, एंड दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि आपको पता है उससे क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, एंड देन द फर्दर प्रोसेस विल कंटिन्यू, विच वी विल जस्ट सी. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट हाउ इज दिस वाटर स्टोर्ड ऑन अर्थ, सो the earth has different major reservoirs, or you can say the storage wherein it is stored, like oceans, lakes, rivers, atmosphere, groundwater, soils, glaciers. Water is stored in different forms in these different reservoirs. कहीं पे किसी form में liquid, कहीं solid, like you know ice के form में, कहीं gaseous form में water vapor है, but in different forms it is existing or getting stored in different reservoirs here. ठीक है. And there are certain processes involved which actually results in the movement of water from one reservoir to another. तो अगर river से atmosphere जा रहा है, ocean से atmosphere जा रहा है, कैसे जा रहा है? So from one reservoir to another, there are different processes which helps in the movement of water. What are those processes? Some examples like evaporation, transpiration, कंडेंसेशन. ये सब बेसिक साइंसेस के टर्म्स हैं. आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट हैव डन दिस, बचपन में ही करवाया जाता है. प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, इन्फिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो. लेकिन क्या इस थ्योरी से हम इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाएंगे या समझ पाएंगे? ऑफकोर्स नॉट. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, एंड दिस इज प्रिटी ईजियर ऑल्सो. यू विल नॉट फेस मच प्रॉब्लम बिकॉज वाटर साइकिल इज अ बेसिक थिंग दैट यू स्टडी इन योर चाइल्डहुड ऑल्सो. अब फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज, लेट्स से हमने देखा दैट वाटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट रिजर्वायर्स, एंड देन फ्रॉम वन रिजर्वायर टू अनदर देयर आर डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर. ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स दैट वी अंडरस्टैंड. सो लेट्स इफ यू टॉक अबाउट द सर्फेस वाटर, सो इट इज प्रेजेंट इन लेट्स से रिवर, लेक, स्ट्रीम. ठीक है, देन वी हैव ग्राउंड वाटर जो एक्वाइफर होता है, जहाँ स्टोरेज होता है. देन आपका ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल, अब अच्छा एक चीज़ और है, सरफेस से भी रन ऑफ होता है पानी, सरफेस से भी जाता है, तो अलग अलग प्रोसेस से. ठीक है, अब ये जो सरफेस वाटर है, यहाँ का पानी है, सरफेस रन ऑफ है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ जितने भी पानी इकट्ठा है, वट एवर वाटर इज स्टोर्ड हियर, तो दैट इज़ बीइंग इवेपोरेटेड बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी, यू नो. ठीक है, गर्मी से इवेपोरेट हो रहा है, यानी गेशियस फॉर्म में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे जाके देयर इज क्लाउड फॉर्मेशन. एंड इन द टॉपिक ऑन एटमोसफेयर वी ऑलरेडी हैव ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, लाइक यू नो डिटेल ऑन प्रेसिपिटेशन, डिटेल ऑन क्लाउड्स एट्सेट्रा. तो ऐसा नहीं है कि दिस इज बींग लेफ्ट, बट दैट इज टू बी डन इन ज्योग्राफी एक्चुअली. सो देयर फोर आपको ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत इसमें काम आएगी, एंड साइंस की भी, बेसिक साइंस की भी. तो क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन हो गया, उसके बाद यहाँ से गया, कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, एंड देन प्रेसिपिटेशन विल हैपन, यानी बारिश जो है वो आएगी, पानी फिर से सरफेस पे पहुँच जाएगा, एंड देन कुछ पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट होके नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो ग्राउंड वाटर में पहुँच जाएगा. ठीक है, और यहाँ से ये ग्राउंड वाटर हो गया, ये सर्फेस वाटर हो गया. तो दिस इज़ हाउ द सर्कल कीप्स ऑन हैपनिंग. इसका पानी जो है वो ऊपर जा रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रन ऑफ भी हो रहा है, फिर पानी आ रहा है, फिर इवेपोरेट हो रहा है, एंड दिस इज़ हाउ द साइकिल कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. इसीलिए हमारे पास जो हम वाटर को जो है वो रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं, हमें मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है. येस, देयर आर इशूज़ रिलेटेड टू वाटर बिकॉज यू माइट हैव द क्वेश्चन दैट एक तो वाटर साइकिल में भी है, सेकेंड चीज इज दैट यू नो ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट वी हैव सो मच ऑफ वाटर शॉर्टेज बिकॉज वी टॉक अबाउट वाटर कॉन्जर्वेशन, राइट? टू गेट दिस आंसर यू विल हैव टू चेक दोज ज्योग्राफी वीडियोज वेर इन वी डील विद द वाटर एज अ रिसोर्स बिकॉज दैट्स अ टॉपिक इन योर सिलेबस, एंड देर इन आई डिस्कस इन यू नो डिटेल
that why, despite of this fact of availability of so much of water, we still have the water scarcity. तो उस पर हम आगे बात करेंगे geography में. Let's get to see the another cycle, which is carbon cycle, the another gaseous cycle. Now, if you compare carbon to, let's say, gases like oxygen and nitrogen, we understand that it is a very minor, carbon is a very minor constituent of atmosphere. ठीक है, you will see the composition of atmosphere, आपको देखेगा nitrogen है सबसे ज़्यादा, फिर oxygen है, carbon का एक छोटा सा मात्रा है, लेकिन significance is too much of carbon. Because without carbon dioxide, life will just not exist. अब ये वाली जो समझ आने वाली चीज़ है, यहाँ पर क्या होता है, this is very important, a vital, let's say significant for the production of carbohydrates through photosynthesis by plants. अब आप बोलोगे कि atmosphere में carbon किस form में present है, so because we are doing it as a gaseous cycle, तो किसी तो gas के form में present होगा, so it is present in the atmosphere, mainly in the form of carbon dioxide, जो हम gas में समझते हैं, ठीक है. अब बिकॉज वी आर डूइंग साइकिल, सो देर हैज़ टू बी लाइक कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑल्सो, तो किसके बीच में होगा, एटमोसफेयर एंड ऑर्गेनिजम्स के बीच में कार्बन का कंटिन्यूस एक्सचेंज होगा, विच वी कॉल एज द कार्बन साइकिल. कैसे होगा, लेट्स सी दिस डायग्राम. फर्स्टली वी विल सी दिस साइकिल इन टू मैनर्स, वन अ शॉर्टर साइकिल, अनदर अ लॉन्ग टर्म साइकिल. वेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट साइकिल, तो जस्ट with the help of this diagram you will see that from the atmosphere the carbon moves to the green plants. आपको दिख रहा है, okay, let's say carbon dioxide here in the atmosphere, वहाँ से this is coming to the green plants by the process of photosynthesis, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है ना, plants require this for the process of photosynthesis, जो CO2 हम release कर रहे होते हैं, ठीक है, वो atmosphere में भी है और वही जो है plants use करती है in the process of photosynthesis with sunlight, water, ठीक है, and then food production है. एंड देन फिर प्लांट से जो है वो एनिमल्स के पास भी जाता है बाई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल हियर कार्बन फिक्सेशन जब होगा बाई द कंज्यूमर्स, तो एनिमल्स के पास पहुँच जाएगा कार्बन भी, ठीक है. सो दिस इज हाउ फ्रॉम द एटमोसफेयर द कार्बन इज रीचिंग फर्स्टली टू द प्लांट्स एंड देन टू द एनिमल्स इन इनडायरेक्ट मैनर. देन वॉट हैपन्स, फॉर अ साइकिल टू एग्जिस्ट इट हैज़ टू गो फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स टू द एटमोसफेयर अगैन, तभी तो यू विल से इट एज अ साइकिल, राइट. So in this what happens, the process of respiration and the decomposition of the dead organic matter, it just returns back to the atmosphere because of the carbon constituents being present in them. So for example, this part, like from the atmosphere to the plants and animals, humne kya dekha, CO2 in the atmosphere comes to the plants photosynthesis ke process se, carbon fixation by the consumers will bring that carbon to the animal also. So that is one side of these red arrows they have given, is that one side. And then what about going back to the atmosphere? So one is by respiration, chahe wo plant ka respiration, animal respiration, ya fir by the process of decomposition also. Theek hai, to agar ye plants decompose hoye ya animal decompose hoye, both can happen and it will again go back to the atmosphere. So this entire thing till here hum samajh rahe hain short cycle mein ki continuous ho raha hai, ho raha hai, ho raha hai. What about the longer cycle? Longer term cycle में क्या होता है, some carbon remains accumulated as undecomposed organic matter. See, if it is decomposed, तब तो वो फिर return हो गया. But if it remains decomposed, whatever portion, let's say, remain undecomposed, in that, और वो कहाँ undecomposed रहता है, let's say, soil के layer में, or it might remains just insoluble in the bottom sediments of the aquatic system also. तो अगर soil में या ओशनिक बॉटम में कहीं पर भी इफ़ द कार्बन इज अनडिकम्पोज्ड और लेट्स से इनसॉल्यूबल, देन ऑफकोर्स इट विल कीप ऑन अक्यूमुलेटिंग, वो जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जमा होता जाएगा. बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म साइकिल, सो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी रिलीज्ड. अब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या हो रहा होता है, द कार्बन इज ब्यूरीड इन द डीपर ओशंस. Now after millions of years what will happen, because we again this is related to geography, this is what I have been teaching very recently in the previous few videos in geography also, after millions of years what will happen, geological movement hote rahenge sari cheezon ke, usse dheere dheere kya hoga, the rock will be you know lifted up above the sea level, niche se dheere 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 movement honge, to ek waqt to aayega even though very slow, but after millions of years it will come. And then when the rocks will come above the sea level, they will be exposed to different processes, mainly erosion. ठीक है,
अब इरोजन जब होगा उससे इरोड हो जाएगा, वो बह के चला जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज नाउ इट हैज रीच्ड टू दैट एक्सपोजर लेवल, देन द CO2 विल बी रिलीज्ड एंड ऑल्सो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्म में वो रिलीज होगा. कहाँ रिलीज होगा? फिर वो वाटर ओशन के बिल्कुल बॉटम से वो कहाँ चला जाएगा? स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में. तो बट ये ऑफकोर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स है, तो दिस जस्ट टेक्स लॉन्ग टर्म साइकिल, बट दिस ऑल्सो हैपन्स. ठीक है, अब एक बात आती है लास्ट फॉसिल फ्यूल्स की. फर्स्टली एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ईंधन जिसको आप बोलते हो. सो वॉट आर दिस फॉसिल फ्यूल्स? Basically, these are those organic compounds that were buried before their decomposition. What does this mean? So, some compounds are decomposed. जो decompose हो गए वहाँ से तो cycle तुरंत ही carry on हो जाएगी, है ना? Plants हो गए, animals हो गए, when they are decomposed, we are seeing this cycle to be directly happening and going back, like the carbon is going back to the atmosphere. In the form, वहाँ पर वो CO2 के form में exist करेगा. But, बात तो हम कर रहे हैं fossils and fossil fuels की. फॉसिल्स होते हैं क्या हैं एग्जैक्टली? इफ यू जस्ट क्विकली हैव टू समराइज फॉसिल्स, यू विल से लेट्स से द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. फ्यूल्स क्या है? उस डेड रिमेन्स से आप जो ईंधन जनरेट करते हो, फ्यूल जनरेट करते हो. ठीक है, सो दे वर नॉट एबल टू बी कम्पोज्ड फॉर व्हाट्स एवर रीजन, एंड बिफोर देयर डिकम्पोजिशन ओनली उनको ब्यूरी कर दिया गया, वो दब गए. अब दब गए तो क्या होगा? मिलियंस ऑफ ईयर्स विल टेक प्लेस एंड विद टाइम एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दे विल बी सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फॉसिल फ्यूल्स. धीरे धीरे वो ईंधन का फॉर्म ले लेंगे, फ्यूल्स बन जाएंगे. नाउ व्हेन द फॉसिल फ्यूल्स आर बर्नड, अब उसमें है तो कार्बन स्टोर्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, प्लांट्स और एनिमल्स के ही तो कंपाउंड्स है ना, उन्हीं के मटेरियल हैं उसमें. अब जब उसमें तो कार्बन स्टोर्ड है, नाउ व्हेन दैट विल बी बर्नड, द कार्बन स्टोर्ड इन देम इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज CO2. This is what they have shown in this diagram. So this is your short-term cycle, and फिर fossil fuels वाला combustion और ये सब के process से वापस चला जाएगा. एक तो जैसे जाएगा अभी आपको बता दिया, ठीक है, long term process में burn होगा and then it will just be released back into the atmosphere as CO2. So carbon cycle you will understand in two different aspects, shorter and the longer term. Next gaseous cycle when you discuss is your nitrogen cycle. Let's understand the significance of nitrogen, very important. So it is an essential constituent of protein, of course, and a basic building block of all the living tissues. ठीक है, इसका तो presence जो है वो basic sciences में, again I would assume you would have done बचपन में school में, because of the significance कि ठीक है protein का इतना important constituent है, building block की तरह काम करता है. And also, even in atmosphere, if you percentage-wise also, you know, when you will see the composition or let's say the constituent of atmosphere, you will see कि इसकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है. I mean, it is inexhaustible supply. हमारे पास खूब supply है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है. But where the problem lies that nitrogen directly cannot be used. I mean, in its elemental form, जो element की तरह exist करता है, उस फॉर्म में ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा पाता है बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ दैट मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, इट हैज़ टू बी यूज्ड इन सम अदर मैनर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो हाउ विल इट बी टेकन? नाउ द प्लांट्स टेक अप द नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. आई मीन द प्लांट्स कैन ओनली टेक अप नाइट्रोजन because they of course cannot do it in the elementary form, so they can do it only when there is nitrogen fixation, which means fixation of nitrogen. So you will say, what is this nitrogen fixation? It is basically conversion of the nitrogen or the elementary nitrogen to ammonia, nitrites or nitrates. ये different forms में जब convert होता है तो ही plants उसको use कर पाते हैं. अब ये nitrogen fixation होता कैसे है? Now this nitrogen fixation in the you would say, let's say, on the earth would happen in three major ways. One, very important, by microorganisms like bacteria and blue-green algae. तो इस पर हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे. एक्चुअली इन सब पर हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे. दैट इज़ वाई इन द नेक्स्ट सेशन आई विल स्पेसिफिकली टॉक ओनली ऑन द नाइट्रोजन साइकिल, बिकॉज इट हैज़ मेनी फर्दर smaller details I would say which needs to be shared because questions are very very prominent from those regions. So abhi I've introduced you to the nitrogen cycle, but the details of this I'll be taking up in the next video. So what is the first way of nitrogen fixation? By the microorganisms. The second is
by persons like, you know, man, but man here don't be gender biased. I would better correct it by humans. I think it's way better than man. So industrial processes से, for example, fertilizer factories वगैरह हो गई, उससे nitrogen fixation होना, and then slightly also by the atmospheric phenomenas, like atmospheric phenomenas like thunder, lightning, but that happens in a very very limited manner. अब यहाँ वाला जो point है, you know, this microorganism, now notice here, what we have written in the previous line was, no direct use of elemental form of nitrogen happens by most of the living organisms. Therefore, we have not written by all of the living organisms, because some living organisms like bacteria and blue green algae are able to use the nitrogen. तभी तो nitrogen fixation हो रहा है ना, तभी तो वो उसको convert कर रहा है. ठीक है, इसीलिए ये सारे words जो हैं वो, because prelims में the extreme words become very important, and वहीं पे आपका एक दो statement अगर गलत हो गया या सही हो गया तो you either lose marks or you gain marks. Okay, so in the further classes we'll discuss more on the nitrogen cycle, and then the topic of the cycling, the biogeochemical cycling will end. I hope the videos are of use to you guys. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Take care. Bye bye.